अयो लग गया। इस बहुत सख्त जगह है, देख लीजिए कैसे हम लोग आ रहे हैं इसमें अंदर में। और गाइस फाइनली हम हैं यहाँ पे, देखिए कितनी सख्त सीढ़ियाँ, छोटी छोटी। और जगह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का ये वीडियो भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ जबल नूर यानी गार हीरा का ज़ियारत करने का तरीका। कहाँ से आप आएँगे, कहाँ जाएँगे, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं हूँ बस स्टॉप पे, बस स्टैंड में, और इस बस स्टैंड का नाम है मरवा बस स्टैंड। ये कहाँ से पड़ेगा देख लीजिए मेरे पीछे। आप जब सफ़ा मरवा का चक्कर पूरा करेंगे, उम्रा अपना मुकम्मल करेंगे, तो आप बाहर निकलेंगे। जहाँ से आप बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप आएँगे हल्का कसर कराने, यानी सर का बाल मुंडाने। तो जहाँ बाल आप मुंडाने आएँगे, यहीं पर पड़ेगा आपको मरवा बस स्टैंड। मरवा बस स्टैंड में आप आएँगे, देख लीजिए यहाँ पे कितनी सारी बसें लगी हुई है। यहाँ भी हर दो चार मिनट, दस मिनट पे बस है। तो यहाँ ये सरकारी बसें हैं, आपको बता दूँ कि ये सरकारी बसें हैं, ये फ्री है। इससे पूरे मक्का का आप ज़ियारत कर सकते हो, वो भी फ्री में ला इजी आसरा। तो यहाँ पे जब आप आएंगे इन बसों में, तो आपको जब जबल नूर जाना है, तो यहाँ के लिए आपको 10 नंबर बस का इंतज़ार करना होगा। हम भी 10 नंबर बस का इंतज़ार कर रही हैं। बस नंबर 4 लगी है और 8 लगी है। तो गाइस फाइनली हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म दो चार मिनट का, और अब यहाँ पे देखिए हमारे पीछे बस नंबर 10 हमारी आ गई है। और अब हम बस नंबर 10 को अपने साइड में आने की इंतज़ार करेंगे, कि वहाँ पे अभी उसमें पैसेंजर्स हैं, तो वो खाली करके और हमारे तरफ आएगी बस नंबर 10। तो हम बस नंबर 10 में बैठेंगे और जबल नूर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हमारी बस आ गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बस अभी देखते हैं। तो हम आ गए अभी बस में, तो फिलहाल अभी हम बस में हैं और बस यहाँ से रवानगी के लिए तैयार आई। फाइनली हमारा बस यहाँ से चल चुका है और जबल नूर के सफ़र पे हम निकल गए। तो गाइस स्टॉप पे तो आ गए बस वाले भाई साहब ने, तो हमें उतार दिया। ये हमारे ठीक सामने दिख रहा है जबल नूर का पहाड़, और यहीं पे है गारे हीरा। इस पहाड़ के ऊपर जो गार है उसे गारे हीरा कहते हैं। अब हमें सीधा सामने से जाना है और सामने से हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो हम पहले दुकान में आ गए। दुकान में आप लोग कभी भी आए तो यहाँ पे ये दुकान पहले ही नीचे है, और यहाँ पे अन्ना बैठे हैं, और यहीं से हमने पानी लिया। एक प्लास्टिक में रख दीजिए ना, प्लास्टिक में। और ये लेकर के अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। तो गाइस हमने ले लिया मक्का वाटर, ये मक्का वाटर नाम से बिकता है पानी सफ़ा का। तो ये जमजम का पानी नहीं होता, बस नॉर्मल पानी है, बस मक्का वाटर नाम से है। और अब हम चल रहे हैं उस पहाड़ की तरफ जहाँ पर हमें जाना है। और गाइस इतने डेंजर पहाड़ों पर ये रास्ते बने हुए हैं कि गाड़ी वाले जा रहे हैं तो एकदम फुली ब्रेक पे पैर रख के जाना पड़ रहा है उनको। ब्रेक भी उनकी आवाज़ें कर रही है ज़बरदस्ती, वो तो फुली ब्रेक दबा के बैठे हैं, बस ज़बरदस्ती जा रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से हम 50 मीटर 100 मीटर भी नहीं चढ़े, और अभी से भाई साहब पानी की बोतलें भी ख़त्म होने लग गई प्यास लग के। ये कुछ ज़्यादा ही गहरा नहीं है। और ये देख लीजिए पहाड़ किस कदर पहाड़, ये रोड बनी है तो हमारे चरण में ही हाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे उस ज़माने में चढ़ा करते थे और चढ़ के इबादत किया करते थे गारे हीरा में। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दुकानें भी दिखेंगी, जहाँ से आप पानी खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ पर मस्जिद है। अब इसके बाद पहाड़ शुरू है गाइस। अब स्टार्ट हो गई सीढ़ियाँ और हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। एक चीज़ है गाइस, यहाँ पे कभी भी आप लोग आओ तो एक रियाल दो रियाल का छुट्टा लेके, एक रियाल का छुट्टा लेके ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ ऊपर पहाड़ों पे भी पानी मिल रहा है, हर जगह पे पानी बिक रहा है। नूस रियाल पानी को एक रियाल में बेच रहे हैं लोग, लेकिन छुट्टा लाजिमी होना चाहिए। छुट्टा रहेगा आप पानी यहाँ पर ख़रीद के पी सकते हैं, सांसें चढ़ेगी तो गाइस। अभी हमें उतना ऊपर जाना है, ये पहाड़ की चोटी पे जाना है। माशाल्लाह यहाँ पे तो नींबू पानी भी बेचे जा रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो गाइस यहीं पे स्टॉप पे हमने रुक करके नींबू पानी पिया। यहाँ पाकिस्तानी भाई लोग कमाल कर रहे हैं, इतने हाइट पर ला के पानी बेच रहे हैं,
नींबू पानी बना के बेच रहा है। ये देखिए जमीन कितने नीचे है और हम ये सीढ़ियों सीढ़ियों के सहारे यहाँ तक चढ़े। और इस साइड आपको दिखेगा क्लॉक टावर, मक्का क्लॉक टावर हरम शरीफ इस तरफ पड़ता है। ये जो सीढ़ियों पे काम हुआ है ये लॉकडाउन के समय में थोड़ा इस पे काम हुआ था क्योंकि उस टाइम लोग नहीं आ रहे थे, लोग आना बंद कर दिया गया था, तो लॉकडाउन में इस पे काम हुआ है। तो ये सीढ़ी थोड़ी अच्छी है, वरना पहले ऐसी हुआ करती थी कीदा कीदा टेंटा, थोड़ा सही से सही किया गया था। भाई साहब मैं सरकार से गुजारिश करूँगा यहाँ पर रेलिंग लगवा दीजिए जिससे पकड़ के हम चढ़ सकें अगली बार आए तो। इस आधे चढ़ने के बाद ये रेलिंग बनी हुई है लोहे की जिसे पकड़ के आसानी होता है चढ़ने में। और कैसे कैसे लोग हैं, पूरे पहाड़ों पे नाम लिख कर गए हैं यार। ये लोग ज़्यारत करने आते हैं ड्रामे पता नहीं। गाइस मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कभी भी इस तरह की ऊंचाई पे चढ़ें तो हंसते हुए चढ़ें, हंसने से जो थकान है ख़त्म हो जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा आप चढ़ते हैं थक जाते हैं तो हार्ट बीट आपका तेज़ हो जाता है, और इस तरह की चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते जब हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो हंसना शुरू कर दें बैठ के। जब बैठ कर आप हंसेंगे या रुक कर हंसेंगे तो हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इतने ऊपर आप आएंगे तो आपको दुकानें भी देखने को मिलेंगी, इस पर टोपी छाता छड़ी अंगूठी तस्बीह ये सब खुशबू भी बेचते हुए मिलेंगे लोग बेचते हुए। और ये आ गए हम टॉप पे। तो गाइस अभी मैं टॉप पे आ गया हूँ, कितनी ऊंचाई चढ़ गया मुझे खुद नहीं पता, पर ये है माउंटेन ऑफ द लाइट, इसे माउंटेन ऑफ द लाइट कहते हैं, रोशनी का पहाड़ जबले नूर उर्दू में, इसे उर्दू अरबी में जबले नूर कहते हैं अरबी में, और माउंटेन ऑफ द लाइट कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में रोशनी का पहाड़ कहते हैं। तो अभी गारे हीरा में जाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, अभी हमें वो दूसरे साइड से नीचे उतरना पड़ता है, ये टॉप पे चढ़ने के बाद दूसरे साइड से नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से इस अपोजिट साइड में हमें उतर के गारे हीरा में जाना होगा और यहाँ से सीधे किबला सीधा पड़ता है, यहाँ से मक्का क्लॉक टावर दिख रहा है, यहाँ पे मुसल्ले लगे हुए हैं, असर का वक्त है, अभी हम भी नमाज अदा करेंगे इसके बाद गारे हीरा में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यही है गारे हीरा, ये वही जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के इबादत किया करते थे। कई कई दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे इबादत किया करते थे। और यहाँ पर जाने के लिए अभी हम जबले नूर पे दूसरे साइड से चढ़े हैं, उसके टॉप पे हम खड़े हैं, और हमें गारे हीरा में जाने के लिए दूसरे साइड से नीचे उतरना पड़ेगा। और जब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो हमें चट्टानों के बीच यानी पत्थरों के बीच से हमें गुजरना होगा। जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं इनके बीच में थोड़ी सी जगह है, इन जगहों से हमें गुजरते हुए गारे हीरा तक पहुँचना होगा। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप सबको गारे हीरा तक भी लेके जाता हूँ और पूरी डिटेल्स आपको देता हूँ। और यहीं पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये वही आयत है। और हमारे साथ हमारे वो दो ऐसे बंदे हैं जिनको मैं जिनका मैं गाइड भी बना हुआ हूँ फ्री में तो यहाँ पे देखिए कितनी सख्त सीढ़ियाँ, छोटी छोटी, और ज़रा से भी पैर इधर उधर हुआ तो आदमी कहाँ मिलेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और बाकी जो गिरेगा उसी को पता चलेगा कि वो कहाँ मिला। तो ये इतनी सख्त जगह है, इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पहाड़ों को तराश कर, और तो यहाँ से अंदर जाना होता है अल्लाह हबीबी। और यहाँ से देख लीजिए कितनी सख्त जगह है, कितनी सख्त जगह है, छोटी सी एक जगह है। तू लगा के तेरी खड़ो एक मिनट, अयो लग गया, अल्लाह माफ करे मेरे गुनाहों को, मैं निकल रहा इस पत्थरों के बीच से। इस बहुत सख्त जगह है, देख लीजिए कैसे हम लोग आ रहे हैं इसमें अंदर में, और पतले लोगों के लिए जगह है और उधर से भी आ सकते हैं। जिनके फ्री में गाइड बने हुए हैं वो भी पीछे पीछे ही हैं मेरे पास, तो अभी हम आप लोगों के यहाँ के अंदर के। और ये है गारे हीरा जहाँ पे कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे आकर इबादत किया करते थे। और इतनी मुकद्दस जगह है, मैं तो परेशान इस बात से हूँ कि मैं चढ़ने में ये थक गया, और उस जबकि सीढ़ी बनी हुई है, और उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चढ़ा करते थे, तो यही सोच कर
परेशान हालू पर, अल्लाह का करम था उन पे। ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इबादत कर रहे थे, तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इकरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बात को 3 बार दोहराया इकरा, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गले से लगा लिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, और यहीं पर वायत नाजिल हुई। माशाल्लाह मैं भी इस वक्त इसी जगह पे हूँ, अल्लाह का करम है, और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब भी यहाँ पर आएँ और अल्लाह आप सबको यहाँ पर आने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।